सबसे पहले हम ड्रेस का नाप लेना सीखेंगे। ये देखें, ये हमारे पास कस्टमर का नाप है। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, अगर हम चाहे कितनी भी जल्दी में किसी का ड्रेस सिलना हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेज़रमेंट होता है ये फुल लेंथ होती है, और यहाँ की ये जो कट होती है वो लेना रहता है सबसे पहले। तो ये फिर सबसे पहले हम इसका फुल लेंथ ले लेते हैं। ये देखो इनका फुल लेंथ है 40 इंच, तो हम प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो जब हम ड्रेस की कटिंग करेंगे तो 42 इंच लेंगे। ये हमारा फुल लेंथ है। अब ये जो हमने जो इन्होंने चाक बनाए हैं, ये देखो इधर से, अब हम शोल्डर से लेके यहाँ तक इस तरह से इसका नाप लेंगे। इन्होंने कट लंबाई किन की है 20 इंच, और सबसे इजीली अगर हमें इसका नाप लेना हो तो हम ये जो हमारा आर्म होल होता है यहाँ से भी इजीली हम इसका मेज़रमेंट ले सकते हैं। ये देखो ये इनका इस तरह से, ये देखिए 13 इंच पे है। तो इस तरह से एक दूसरा मेज़रमेंट होता है। तो आप चाहे ये आप आसानी के लिए यहाँ से भी ले सकते हैं, एक होता है शोल्डर से भी ले सकते हैं। ये आपकी आसानी के लिए मैं बता देती हूँ, ये हमारी कट लंबाई हुई। उसके बाद हम यहाँ पे ये इनके चेस्ट की लंबाई लेंगे इस तरह से। ये कॉटन का है इसलिए इस तरह से थोड़ा से खींच के लेंगे। तो ये है 19 इंच, ये उनकी कमर का ये मेज़रमेंट है इस तरह से। ये उनका है 15 इंच, और ये उनका सीट घेर है। ये देखो ये उनका सीट घेर है, तो उसे इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, और इसका भी मेज़रमेंट इस तरह से लेंगे यहाँ से इस तरह से करके। ये इनका आ रहा है 19 इंच। ये हमने 1 2 3 ये तीनों हमने मेजरमेंट ले लिए। अब इनका शोल्डर का नाप लेंगे, इस तरह से इसे रखेंगे। इनका शोल्डर है, इसे परफेक्ट इस तरह से रखकर 14 इंच का है इनका शोल्डर है। ये हमारा नेक हो गया, शोल्डर का मेजरमेंट हो गया। अब हम नेक का मेज़रमेंट लेंगे इस तरह से देखेंगे, तो ये यहाँ तक जा रहा है। यहाँ से इनका नेक है फ्रंट वाला 6 इंच का, और बैक जो रहता है वो इस तरह से रखेंगे यहाँ से। ये इनका इस साइड से आ रहा है, तो इसे हम इस तरह से देखेंगे, यहाँ पे ये लाइन जा रही है। तो ये 4.5 इंच का इनका ये बैक नेक है। इस तरह से ये हमारे नेक की हो गई है मेजरमेंट। अब ये स्लीव्स का लेंगे हम, ये देखो इस तरह से हम लेंगे। ये है इनका 16 इंच इनका स्लीव्स का नाप है, और इनकी गोलाई है 5 इंच। ये हमने तकरीबन मेजरमेंट ले चुके हैं इसका, अब हम कटिंग करना सीखेंगे। ये देखो ये उनका फैब्रिक है, और ये उन्होंने लेस दी है, ये हमें इसमें अटैच करना है। तो हम इस तरह से, ये हमारा फैब्रिक है 3 मीटर का, इस तरह से बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट लेंगे। सबसे पहले हम इसे इस कोने से लेके इस कोने तक इस तरह से रखेंगे, ये इसे जॉइन करके। ये हमारा 2 फोल्ड हो गया है। अब इसे इस तरह से रखने के बाद इस तरह से अच्छे से करेंगे, और इस तरह से लेके पूरा यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ये देखो इस तरह से मैंने, ये देखो यहाँ से 1 2, ये हमारा खुला वाला हिस्सा है और एक जॉइन वाला, यहाँ पे दोनों जॉइन वाला। इस तरह से ये मैंने रखी हूँ, ये पूरा मेजरमेंट मैंने ली हूँ 42 इंच। इस तरह से देखो हमारा 14 इंच का शोल्डर था, 14 का हाफ 7 इंच होता है। तो इस तरह से ये 7 इंच पे यहाँ से मार्क लगाएंगे, यहाँ से भी 7 इंच पे इस तरह से मार्क लगाएंगे, और यहाँ से भी 7 इंच पे इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। तो ये हमने बॉक्स बना लिए। अब ये चेस्ट की लंबाई लेंगे, हमारा 18 इंच का है, तो 18 का हाफ हुआ 9 इंच,
और बाकी ये हमारा एक्स्ट्रा है। ये जो हमारा सीट का है तो 13 इंच का है, इस तरह से 13 इंच पे एक मार्क लगा देंगे। और इसका हाफ जो रहेगा वो इसकी कमर रहेगी, 13 इंच का हाफ 6.5 इंच, इस तरह से यहाँ पे निशान लगा देंगे। और यहाँ पे भी इस तरह से इसका हाफ इस तरह से निशान लगा देंगे। ये कमर है तो कमर 15 इंच की है, 15 का हाफ होता है 7.5 इंच, 15 का हाफ इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये सीट जैसा है उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से 1 इंच वो एक्स्ट्रा है हमारा। अब ये जो निशान है इसे यहाँ से और इसे इस तरह से मिला के रेडी करते हैं। ये देखो इस तरह से ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब ये हम आर्म होल का शेप देंगे इस तरह से। देखो इस पे इसके हाफ पे इंच पे निशान लगाएंगे। ये 7 इंच का है तो यहाँ पे 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से शेप दे देंगे इस तरह से। और यहाँ से ये हमारा जो नेक है यहाँ पे 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, यहाँ से इस तरह से। और यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाने के बाद इसे इस तरह से मिला देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे हम यहाँ से, ये डाउन करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जिस हिसाब से ये हमने शेप दिए हैं। देखो सबसे पहले ये इस तरह से मैंने ये कैनवास ली हूँ, ये सबसे पहले हम इसे इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। नेक की गुलाई आप अपने हिसाब से ले, ये मैं 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ। और गुलाई उनकी जिस हिसाब से थी उस हिसाब से लेंगे। ये मैं 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे इस तरह से राउंड की शेप दे देंगे इस तरह से। ये 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, और इसे भी इस तरह से मिला देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो इस तरह से ये हमने कटिंग करनी है। अब एक्स्ट्रा जो हमारे पीस है उसे इस तरह से रखेंगे, इस साइड से रखने के बाद यहाँ पे एक साइड में इस तरह से, ये प्रेस वाला है तो इस तरह से रखकर यहाँ पे पहले प्रेस करके इसे अटैच करेंगे। इस तरह से ये हमने लगा लिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस साइड से पूरा इसे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग करनी है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा डॉट हो गया। ये हमारा जो ड्रेस है उसका बैक पार्ट, ये सीधा और उल्टा देख लें इस तरह से, उस हिसाब से यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करें और यहाँ पे भी इस तरह से डॉट लगा दें और इस तरह से रखें यहाँ पे इस तरह से। और ये डॉट को इस डॉट को मिलाकर इस तरह से ऐसे राउंड में स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग करके टाच पिन लगा दिए। अब थोड़ा सा फासला देके इसकी कटिंग करेंगे हम इस तरह से। ये देखो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हल्की सी इस तरह से जो राउंड हो रहा है उसे कट मारेंगे इस तरह से, और फिर इसे
इस तरह से करके यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये जो हमारा लेस है उसे इस तरह से रखेंगे। ये जो मैंने निशान लगाई हूँ ये देखो इस तरह से मैंने यहाँ से 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाई हूँ और यहाँ पे 1 इंच पे रखकर इस तरह से निशान लगाई हूँ। यहाँ से हल्का सा इस तरह से राउंड कर दी हूँ। तो हम लेस इस तरह से लगाएंगे, यहाँ से इस तरह से रख कर इसे यहाँ से लेके जाएंगे इस तरह से यहाँ पर ये करके यहाँ से फिर यहाँ तक लेके चले जाएंगे। तो ये हम रेडी करते हैं। ये देखो ये हमारी इस तरह से ये रेडी होकर आए। अब यहाँ पे हम ये गोल्डन कलर का इस तरह से बटन लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे बराबर से। यहाँ पे हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए देखो यहाँ से 4 इंच पे ये हमने निशान लगाए यहाँ से, और यहाँ पे इस तरह से हमने 2 इंच पे निशान लगाए। ये देखो इस तरह से रखेंगे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ से इस साइड 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको लेस लगाना कितना है। मुझे पूरे दामन तक लगाना है तो इस तरह से मैं ये निशान लगाऊंगी 4 इंच पे, और यहाँ पे भी इस तरह से 4 इंच पे नीचे तक लेके जाएंगे। और ये सारे जो डॉट्स हमने लगाए हैं इसे इस तरह से सबको एक एक करके मिला देंगे इस तरह से। ये देखो ये हमने पूरा निशान लगा दिए हैं। अब ये जो लेस हमने यहाँ पे नेक पे लगाए हैं यहाँ से इसे पूरा दामन तक लेके जाएंगे यहाँ से बराबर यहाँ तक। और ये जिस तरह से ये स्टिचिंग करेंगे सेम उसी तरह से ये जो लाइन बनाए हैं हमने यहाँ पे भी सेम लगाएंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा लुक आएगा। यहाँ से मैंने 5 इंच पे ऊपर करके स्टिचिंग कर ली हूँ, और दूसरा जो लेस जो हम दामन में लगाएंगे वो जब हम चाक बना लेंगे तो लगाएंगे।